नमस्कार दोस्तों, बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आइए तरबूज का शरबत बनाना शुरू करते हैं। हमने 1/2 kg तरबूज लिया है, 1/4 teaspoon हमने काला नमक लिया है, 1 नींबू लिया है और हरे पुदीने की पत्तियां धो के साफ करके 2 टेबलस्पून लिए है। सबसे पहले हम तरबूज को काट करके तैयार करेंगे। तरबूज हम सभी खाते हैं और हम सब को बहुत पसंद आता है। ये जो तरबूज का लाल पार्ट है वो निकाल लेंगे जूस के लिए, जो ग्रीन पार्ट है छिलका हटा देंगे। आज हम तरबूज का शरबत बनाएंगे। तरबूज का शरबत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ठंडक और ताजगी भी देता है। तरबूज को हमने काट लिया है। तरबूज के टुकड़ों को हम जार में डाल देते हैं। अब पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं। पुदीने के पत्ते की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम इसमें काला नमक डाल देते हैं। नींबू हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें नींबू का रस निचोड़ कर भी मिला देते हैं। शरबत हमारा तैयार है। अब तरबूज के जूस को हम छान लेते हैं। तरबूज का जूस हमने छान लिया है, थोड़ा सा पनम छलनी में बचा है, इसे हटा देंगे। जूस को हम अब गिलासों में सर्व करेंगे। अगर आपको ठंडा पसंद हो तो 5-7 क्यूब्स भी बर्फ के डाल सकते हो। अगर आपको बिना बर्फ के पीना है तो हम जूस आपको डाल देंगे और इसको हरे धनिये पुदीने से और नींबू से और तरबूज की से हम इसको गार्निश करेंगे। ये लो, हो गया हमारा जूस तैयार। आप जूस बनाइए, पीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।